नमस्कार, मारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मैंगो लस्सी। गर्मी का मौसम है, ऐसे में यदि ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी बना ली जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैंने 2 सफ़ेदा आम को धोकर साफ करके छील लिया है। आम के ऊपर चाकू से लंबे कट लगा लेते हैं। अब आम को घुमाकर क्यूब शेप में छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। इस कटोरी को साइड में रख देते हैं और बचे हुए आम का सारा पल्प निकाल लेते हैं। इस पल्प को जार में डाल देते हैं। एक कप ताजा दही डाल देते हैं। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब एक कटोरी चीनी डाल देते हैं। चीनी कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब ढक्कन लगाकर लस्सी बना लेते हैं। मैंगो लस्सी बनकर तैयार है। एक गिलास लेते हैं, इसमें थोड़े आइस क्यूब डाल देते हैं, कटे हुए आम डाल देते हैं। अब मैंगो लस्सी डाल देते हैं। एक आइस क्यूब डाल देते हैं, मैंगो पीसेस डाल देते हैं, कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं। लीजिए, हमारी ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी बनकर तैयार है। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।